गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए सारी पार्टियां अपना ताकत झोंक रही हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं हिम्मत नगर के अमर सिंह मॉल में, और यहां पे ये मॉल इसलिए हमने चुना है क्योंकि इस मॉल में तमाम दुकानें हैं, यहां पे सीए हैं, यहां पे तमाम कोचिंगें चलती हैं, तो समाज के हर वर्ग का व्यक्ति यहां रहता है और यहां पे इस मॉल में खचाखच भरा रहता है माल, हर वर्ग के लोग आते हैं। तो यहां के लोग जो है वो सीधे तौर पे लोगों से जुड़े हुए, हम खुद इनसे जानते हैं। आप लोग यहां पे व्यापार कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि सरकार बड़ा इशू है नोटबंदी का, जीएसटी का, व्यापार पे इफेक्ट आया है, आपको लगता है कि क्या व्यापारियों को कोई समस्या इस चुनाव में असली मुद्दा है? असली मुद्दा यह है कि गुजरात में जो विकास हुआ है और जो लोग ने 1970 के बाद जिसका जन्म हुआ है उन्होंने रकास देखा ही नहीं है। हमारी दिक्कत क्या थी, घर पे पानी नहीं आता था, रोड रास्ता कच्चा था, हॉस्पिटल नहीं थे, गांव में स्कूल नहीं थे। मैं खुद गांव में से आ रहा हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, हमको यूरिया खाता नहीं मिलता था, वो फैक्ट्री वाले ले जाते थे, और जितने हमारे बेसिक प्रॉब्लम है वो भारतीय जनता पार्टी ने सॉल्व किया है। जीएसटी और नोटबंदी का कोई असर है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा हुआ है, बढ़िया हो गया है, मोदी को बोलना बढ़िया हो गया है। आपको लग रहा है कि वो मुद्दे वही हैं कि फिर कहीं न कहीं असल मुद्दे हट जाते हैं और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं? नहीं, ये दफे कांटे की टक्कर है। हाँ। ये दफे दोनों पक्ष में कांटे की टक्कर है, ऐसे लगता है भारत पाकिस्तान की मैच है। हाँ। और एकदम मतलब बीजेपी जो यहाँ 22 साल से शासन कर रही थी उसको इतना आसान जीत नहीं है उसके लिए? ये दफे कह रहा हूँ कांटे की टक्कर है, ये दफे आसान जीतना नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? ये दफे कांग्रेस ने भी मेहनत की है, बीजेपी ने मेहनत की है, दोनों मेहनत कर रहे हैं। कांटे की टक्कर तो है ही, क्योंकि कांग्रेस की भी मतलब इस बार मेहनत ज्यादा है, पर उससे ज्यादा हमारे मोदी साहब की है। और वी फॉर भाजप, भाजप के सिवाय कोई आने वाला नहीं। और हमारा कहना है कि 130 सीट कम से कम 130 सीट गुजरात में बीजेपी लाएगी लाएगी लाएगी। पाटीदार समाज का क्या इफेक्ट है? हाँ जी, पाटीदार नाराज है, हार्दिक पटेल अलग मोर्चा लेके कर रहे हैं, उनका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, हम सब भाजपा के साथ हैं। हमारा थोड़ा व्यापार में फर्क है, नोटबंदी के हिसाब से, जीएसटी के हिसाब से, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। आपको लगता है जीएसटी को बहुत लोग समझ नहीं पाए हैं, आप सी है, आपको लगता है कि ठीक है या कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं? नहीं, जीएसटी का लॉ एक्चुअली ठीक है, लेकिन कोई भी चीज में अगर परिवर्तन आता है तो उसको समझने में लोगों को थोड़ी थोड़ी शुरुआत के स्टेज में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे नॉर्मलाइज होता जाएगा। यूथ का कोई मुद्दा नहीं है, एक्चुअली मुद्दा जीएसटी का ही घूम रहा है। जीएसटी में एक यही प्रॉब्लम है कि जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से कि इंडिया हिंदुस्तान में ज्यादातर व्यापारी जो है पढ़े लिखे नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग काम यूनिट से जुड़े हुए हैं उनको बिल बनाना तक नहीं आ रहा है। अभी हम परचेज करने भी जाते हैं तो व्यापारी बोलते हैं आप खुद बिल बना लो, आप खुद जीएसटी डाल लो, जीएसटी वाला बिल आप खुद बना लो, उनको पैसे भी अकाउंट में कैसे पेड करने हैं, कैसे लेने हैं, उनको कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरा कहना सिर्फ एक है, जहां से प्रोडक्शन शुरू होता है वहीं पे 2%, 5%, 10%, 20% जो लगाना हो एक ही जगह लगा दो और मार्केट में सब कच्चे बिल से ही जाने दो, आगे से पक्का लग गया है, कोई टेंशन नहीं, इश्यू नहीं है। जिनको विपक्ष बार बार जोर देकर के भुनाने की कोशिश कर रहा है वो असल में ग्राउंड जीरो पे कोई बहुत मुद्दे नहीं है। और इन्होंने जो हालांकि मतदान गुप्त होता है लेकिन फिर भी इनका कहना है कि इनके जब भी वोट डाले जाएंगे इनके जहन में विकास का मुद्दा ही प्रमुख होगा। समय के लिए हिम्मत नगर से कैमरामैन ललन ठाकुर के साथ अखिलेश मिश्रा।